भी कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के फैन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल कॉमेडी किंग कपिल शर्मा एक बार फिर से पापा बन गए हैं। आज यानी 1 फरवरी को तड़के उनके घर बेटे ने जन्म लिया है। कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी चतुर्थ ने बेटे को जन्म दिया है और ये गुड न्यूज कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर की है। कपिल शर्मा ने ट्वीट किया है कि जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही कॉमेडियन ने इस बात की जानकारी भी दी है कि माँ और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। कपिल शर्मा ने सुबह 5:30 बजे ट्वीट करते हुए लिखा, नमस्कार, आज सुबह हमें भगवान के आशीर्वाद के रूप में एक बेटा मिला है। ईश्वर की कृपा से बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। आपके प्यार और दुआओं के लिए सभी का शुक्रिया, गिन्नी और कपिल। इसके साथ ही कपिल ने हैशटैग ग्रेटिट्यूड का भी इस्तेमाल किया है। कपिल शर्मा के ये ट्वीट करते ही फैंस उन्हें खूब बधाइयां और शुभकामनाएं दे रही हैं। इसके साथ ही सभी बच्चे की पहली तस्वीरें और नाम जानने के लिए भी काफी एक्साइटेड दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि कपिल और गिन्नी ने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी को काफी सीक्रेट ही रखा था। ऐसे में तमाम फैंस काफी हैरान भी हो रहे हैं। हालांकि नवंबर 2020 में बेबी बम के साथ गिन्नी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हुई थी, जिसे बाद में कपिल के दूसरे बच्चे की खबरें फैल गई थी, लेकिन कपिल ने कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि कपिल शर्मा की बेटी नायरा 10 दिसंबर को 1 साल की हुई है। ऐसे में उनके छोटे भाई उनसे महज 1 साल ही छोटे हैं। कपिल और गिन्नी की शादी साल 2018 में दिसंबर में हुई थी। जुलाई में गिन्नी के प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आई थी, बाद में कपिल द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।